तहसील कलमेश्वर जिला नागपुर के अंतर्गत आने वाले गटग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर इन बीसीएन न्यूज चैनल नागपुर मेट्रो समाचार की ओर से सैकड़ों नागरिकों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर संचालक सिराज शेख, नायब तहसीलदार सुजाता गावंडे, सरपंच लुम्बिता तभा ने मौजूद थे। कोरोना वायरस की रोकथाम और जन जागृति करने के लिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कोई संस्था, हर कोई इस समाज के लिए अपना योगदान तथा सहयोग दे रहा है। इसी श्रृंखला में तहसील कलमेश्वर के अंतर्गत आने वाले गटग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर इन बीसीएन न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार के संचालक सिराज शेख इनके द्वारा गांव के सैकड़ों नागरिकों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। दर्शकों, इस समय हम ग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द में आए हुए हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो सरपंच है लुम्बिनी मैडम, ये यहाँ पे आ चुकी है और उन्हीं के हाथों, तभाने मैडम के हाथों ये पूरे गांव में सैनिटाइजर और जो मास्क है वो बांटा जा रहा है। इनबिशन के माध्यम से भी दिया जा रहा है। हम आपको बता कि ऐसे कई बॉक्स अब तक के बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि वही बॉक्स है जिस बॉक्स में इस तरह के ये मास्क है। और मैम, ये मास्क को लेके अब यहाँ के जो पूरे परिसर है, यहाँ की जो आबादी है, उन जनसंख्या तक पहुँचाने का काम ये मैम आप देख सकते कि मैम है और यहाँ के पत्रकार है, ये सब और ये सैनिटाइजर भी है। इस तरह के प्रिकॉशन, क्योंकि कोरोना वायरस ये ऐसा वायरस है कि अगर इसकी रोकथाम करना हो तो सैनिटाइजर और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये भी ज़रूरी है। अब थोड़ी देर में ये लोग अभी निकल चुके हैं अपने काम पर। अब देख सकते कि मैम जो है तबने मैडम ये पूरा लेके उनके साथ में ये लोग चल रहे हैं और पूरे गाँव में ये बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई गई, लेकिन हर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए महामानव डॉक्टर अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई है। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुजाता गावंडे, सरपंच लुम्बिता तभा ने, संचालक सिराज शेख, संपादक इमरान शेख, ग्रामीण प्रतिनिधि योगेश कोरडे इनके हाथों नागरिकों में सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुजाता गावंडे और सरपंच लुम्बिता तभा ने इन्होंने जानकारी दी। सध्या अपने देशावर जे काही COVID-19 कोरोनाचं जे संकट उद्भवलेलं आहे त्या अनुषंगाने मी माझ्या सगळ्या गावकऱ्यांना एवढाच उद्देश करू इच्छिते की त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षतेसाठी, इतरांच्या सुरक्षतेसाठी आपल्या घरातच राहावे। शक्यतो घराच्या बाहेर विनाकारणाने घराच्या बाहेर न पडता स्वतःला आणि देशाला घरातच राहून सुरक्षितेत ठेवावे। आणि या दृष्टिकोनातनं ग्राम पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यवाही ती सुरूच आहे। जसं आता इथे बोरगावमध्ये देखील गावात सुरक्षा रक्षक वगैरे त्यांनी उभे केलेले आहे, बाहेरून कोणी आत येऊ नये किंवा आतले पण विनाकारणाने बाहेर जाऊ नये असं चित्र मला देखील माझ्या या गावात दिसतं आहे। तर लोकांना एवढंच आव्हान की COVID-19 जे काही एक प्रादुर्भाव किंवा एक आपल्यावर ओढवलेलं संकट दूर करण्याचं एकच माध्यम आहे, ते म्हणजे लॉकडाऊन या कालावधीत सद्यस्थितीत तरी सुरक्षित सर्वांनी घरी राहा। आज देशावर जे कोविडचं जे प्रादुर्भाव आलेला आहे त्याच्याबद्दल आम्ही गावामध्ये सुरक्षा याच्यामध्ये संरक्षण दल स्थापन केलेलं आहे आणि गावासाठी जे बी काही जंतुनाशक वाटप आहे ते पण केलं, गावात फवारणी वगैरे सगळंच झालेलं आहे आणि गावामध्ये बाहेरचे लोक येणार नाही याचंही आम्ही सुरक्षा केलेली आहे। आणि गावात जे गरीब लोक आहेत त्यांनाही धान्य वाटप, सॅनिटायझर वाटप आणि मास्क वाटप वगैरे सगळं केलेलं आहे आणि ग्राम सुरक्षा दल पण स्थापन केलं आहे। आणि आमच्या जे आमचे सदस्य वर्ग आहेत, आमच्या उपसरपंच आहे, जे ग्रामपंचायतीत सर्व बाडी आहे, आशा वर्कर आहे, अंगणवाडी सेविका आहे आणि ग्राम संरक्षण दल आहे, सगळे हे सहकार्य करतात। आमचे ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी आम्हाला सहकार्य करतात आणि गावचे लोक पण सहकार्य करतात, बाहेरचे लोक येऊ देत नाही आणि गाव सगळं सुरक्षित। कोरोना वायरस इस महामारी ने अब तक दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत की नींद सुला दी है। कोरोना वायरस की जन जागृति एवं रोकथाम करने के उद्देश्य से इन बीसीएन और नागपुर मेट्रो समाचार के मालिक सिराज शेख इन्होंने कई ऐसे जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर देकर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इन बीसीएन न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार की ओर से आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के पावन पर्व पर
ग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सैनिटाइजिंग और मास्क जो है ये सैनिटाइज़र बांटा गया है, यहाँ के सरपंच द्वारा बांटा गया है। इस समय में हमारे साथ में इन BCN और नागपुर मेट्रो समाचार के मालिक सिराज भाई शेख है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सिराज जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये जो कार्यक्रम लिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हो कोरोना वायरस को लेकर, कितना इनके कामकाज आने वाला है ये मास्क और सैनिटाइज़र? देखो, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, सबको उसकी बधाई, और इसके उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम रखे आज यहाँ का। और हम लोग गांव वाले को एक ही कहना चाहते हैं कि ये मास्क पहनना से ज़्यादा एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान ने 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे खड़े रहना चाहिए और एक में एक से दूर से बात करना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ज़्यादा मेल मिलाव नहीं करना चाहिए। वैसे तो बीमारी शहर में ज़्यादा है, जो भी बड़े अपने ग्रामीण में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को उसकी एहतियात बरतते हुए काम करना है। आज मैडम के हमारे खास यहाँ के मैडम जी है, जो मैडम ने आज प्रोग्राम का अरेंजमेंट करा है। इस उपलक्ष्य में फिर हम लोगों ने सब ऐसा किया कि सैनिटाइजर भी बांटी, मैडम ने किट भी बांटी है। आज अम्बेडकर जयंती पे हमने ये सब प्रोग्राम अरेंज किए थे। बिल्कुल, तो इस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग रखने का काम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता है उनका जो जयंती है वो हर लोगों ने अपने घर में मनाना है, ऐसी हिदायत भी जिलाधीश की ओर से दी गई है, जिसका पालन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर कोई अपनी सेवाएँ देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नागपुर के गट ग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, इन BCN न्यूज़ नागपुर।